हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आप सोचोगे कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं हूँ यहाँ। और हम किस रास्ते से आए हैं आप ये देखें। मैं बताऊँ? बनाओ, बोलो। हाँ गाइस, कहाँ जा रही हूँ? आर्डन टंडो आदम। गरम गरम क्या है? शकरकंदी। शकरकंदी और चाट मसाला। खानी है मिशू? टंडवादम में आई हुई हूँ। रात में यहाँ पहुँचे थे हम। टंडवादम एक छोटा सा शहर है, सिंध में मौजूद है, और चाचू यहाँ रहते हैं, तो एक विज़िट हमने सोचा यहाँ का कर लेते हैं, उनसे भी मिल लेते हैं और ठंड भी इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है। नाश्ता करने वाले हैं, सुबह के 9:30 बज रहे हैं, और मेरा जो कज़न है वो पूरियाँ लेने गया हुआ है, वो लेके आता है, तो हम आपको दिखाते हैं। गाइस, ये पीछे लॉन है माशाल्लाह से बड़ा सा, यहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे अभी। ये नाना है और ये चीचू है। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिशू उधर देखो, मिशू वो देखो। और मिशू शर्मा रही है। ये मिशू मिट्टू कहाँ है? मिट्टू मिट्टू कहाँ है? देखो मिट्टू बेटे कहाँ ये है? ये रही है। मिट्टू बेटे बेटे ये देखिए। सो गाइस, नाश्ता आ गया है यहाँ पे। ये चने और तरकारी जो है ये हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने बाहर ही सेट कर दिए, और यहीं पे हम नाश्ता करेंगे। साथ साथ जो है हम चाय का पानी भी रख देते हैं। यहाँ अब्बू जो है अपने लिए पराठा बना रहे हैं। यहाँ हम खा रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की हलवा पूरी, और जो है हम आर को मिस कर रहे हैं। हम अभी हम जा रहे हैं मार्ट में शॉपिंग करने। क्या करने जा रहे हैं मिशू? शॉपिंग करने। अब फादशाह जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, हमें लेके जा रहे हैं मार्ट में। छोटी छोटी वेरी नाइस, आई लाइक इट। तो गाइस, हम आ गए हैं मार्ट में, टंडो आदम के जबरदस्त वेरी बिग मार्ट। बहुत अच्छा है जूस। तो गाइस, ये हम आए हुए हैं टेडम स्कूल। यहाँ से मेरे अब्बू, चाचू, दादा सबने पढ़ा है, तारे दादा ने पढ़ा है। ये मीशो आई है अपने नाना का स्कूल चेक करने टंडो आदम में। ये हम जा रहे हैं स्कूल में। हम लोग के वालिद साहब ने सबने यहीं से पढ़ा है ना। स्कूल तो अच्छा है, उस जमाने में तो फिर ये मतलब सही वो लोग बताते थे, ड्रम और पता नहीं क्या। डॉक्टर जियाउद्दीन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तालीम मेरा भी हक है। पहले इसका नाम टेडम स्कूल था हमारे अबू लोगों के टाइम में। अब टेडम नहीं है, अच्छा जियाउद्दीन। जियाउद्दीन कहलाता है। अच्छा मीशू, तुम्हारा एडमिशन करा दूं यहाँ पे? किसकी टीचर हो? मामा की। मीशू पढ़ाओ ABCD। मीशू पूरा हाल था सही अब, लेकिन वो भी गवर्नमेंट स्कीम ऐसे वाले स्कीम है, नहीं आती रहती है, वो चेंज हो गया। अभी भी हमने हाल रखा, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रांड था और ये था मार्च तक काम करते थे। हाँ मैंने पूरा ये उन्होंने दीवार खींच दी है ना यहाँ पे। नहीं ना, वो ये तो बता रहे हैं पीछे वाला जो ग्राउंड था सारा मतलब इन्हीं के अंडर में आता था ना, वो मंदिर बन गया। वो मंदिर का मंदिर वालों ने वो कर लिया जो भी पहले था, लेकिन पहले इसका शेप चेंज था, ये हाल अब भी है। तो अब छोटे प्रोग्राम जो है यहाँ कर लेते हैं, और अगर बड़ा प्रोग्राम होता तो हमारा बाहर होता है बिल्कुल ना। जैसे 40-50 बच्चों का होगा, 100 बच्चों का हो, तो इसमें हमने सिस्टम वगैरह सब लगाए हुए हैं। और ये मंथली जो टेस्ट होते हैं, पहले बच्चे नीचे बैठते थे, फिर ये हमें एक शौकीन साहब ने गिफ्ट किए थे, तो फिर यहाँ रख दिया। बच्चे सलीके से वेट करते, उन्होंने काफ़ी डेवलप किया, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे साथ, वो भी ओल्ड स्टूडेंट है ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, उन्होंने भी अशरफ भाई, इंदर भाई वालों का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन।
बच्चों सिलेबस के हिसाब से कितने अटेंडेंस है, लेट कितने हुए जो असेंबली में नहीं थे, यूनिफॉर्म किसके पास है, शूज किसके पास है, पीरियड्स कौन सा है, कौन सा ब्रेड, कौन टीचर कौन था, क्या बच्चा बहुत आने वाले को उदार जैसा जैसे माहौल है ना। अभी आपको हैरत होगी कि प्राइमरी में साइंस एंड आर्ट के नाम से कहीं कोई प्रोग्राम नहीं था। हमने अलहमदिल्ला इतना बड़ा प्रोग्राम किया और बच्चों ने इतना अच्छा कॉपरेट किया, छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर आए। अच्छा, ये सब अलहमदिल्ला मतलब एक जैसे एक इमेज बनी है ना गवर्नमेंट स्कूल्स की, इंटीरियर्स इनके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बने हुए नहीं है और करप्शन है, ये वो है, इकबाल सर की सरपरस्ती है, दोस्तों की है ना, तो ये अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है। आजकल चेंज हो गया, वो पहले जो पढ़ाई का माहौल था ना, अब इस तरह तो हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, उसको ये ले जा चुके सारी चीजें यहाँ से। और इसका जैसे वो कहते हैं क्लेम, इन्होंने क्लेम किया इंडिया में, जोधपुर में स्कूल मिल चुका है। अच्छा, फिर भी इन्होंने ले लिया। ये तो ये इनको गवर्नमेंट का ही था, एक मुसाफिर खाना था, हिंदू सिख मुसलमान सब रहते थे यहाँ से। अच्छा, इनको इसकी क्लेम में जोधपुर में एक स्कूल मिल चुका है, इंडियंस का था ये स्कूल, इंडियन वालों इंडिया वालों, यहाँ पहले हिंदू बच्चे भी पढ़ते थे बच्चे अभी भी पढ़ते हैं, खैर हिंदू तो रहते हैं यहाँ बहुत हैं, सिंध में इधर बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं, दो तीन कम्युनिटी है। अच्छा स्कूल नहीं होगा गवर्नमेंट, ये बदनाम बहुत है ना, कि एनडीएस इनके स्कूल होंगे। तो नदीम चाचू ने भी यहीं से पढ़ा होगा। चलो चलो, मीशु गाड़ी चला रही है, पराना पप्पू फाद मामू, ये देखिए फाद मामू भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आ जाओ, मैं तुम्हें इसमें झूला झूला। अच्छा है भाई, जबरदस्त पुलअप्स कर रही है। हाँ ना, एक्सरसाइज तो बहुत करती है ना, उसके बाबा भी करते हैं। चलो भाई आ जाओ, जा 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 जा। मजा आया मीशु? ये भी कुछ आराम से, क्या है ये मंदिर है? मुझे नहीं पता। गाइज, हम जो है हिंदुओं के बहुत ही कदीम मंदिर टंडो आदम में आए हुए हैं, आपको चेक कराते हैं क्या हालात और वाकयात हैं। ये मुझे लगता है कि ये स्कूल का पार्ट था, वो देखें स्लाइड बनी हुई है, ये स्कूल था मेरे ख्याल में, अबू वगैरह का ग्राउंड था ये, और पीछे से वो एरिया खुला हुआ है बाउंड्री, वो उससे प्लॉटिंग हो गई है। अभी हम जा रहे हैं, मंदिर अभी बंद है, 6 बजे आएंगे हम। बाबा ने मुझे बाइक चलाना सिखाई। अच्छा, बिरयानी फिर हम लाएंगे, अभी देर खत्म हो गई है, इनके बाद ले आएगा घर पे, हम घर पे खा के बताएंगे कि क्या है। बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, अब हम कुकिंग करेंगे घर जाके, मजा आएगा। मीशु ये ऐसे करते चले चले, सामान अंदर रख के तैयारी करते हैं हम, फिर थोड़ा सा मुँह हाथ धो के खाना बनाएंगे, फिर में रखते हैं। गाय साहब ये आ गया किचन में सारे सामान। गाइस, ये है वो मशहूर पुलाव, इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम, क्या सी है, वाओ प्यासी टीवी है, प्यासी है, वाओ प्यासी है, अच्छा
साथ गार्निशिंग करेंगे हम फ्राई प्याज की। इधर है गाइस फ्राई प्याज भी है, फिर ये नॉर्मल ये वाली प्याज भी है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। नहीं, इसमें साइड में रखते हैं, साइड में रखते हैं। और रायता भी है, वाओ। इसका गोश्त है ये है उसका बकरी का? कट्टे का कहते हैं, कट्टे का गोश्त है। गाय का है? नहीं, भैंस का जो छोटा वाला वो होता है ना। अच्छा अच्छा, उसका गोश्त है ये। चलें जी, खा के बताएं। आप तो खाते रहते हैं। मैं तो खैर खाता रहता हूँ, आप खाएं। देखें गाइस, कराची फ्रेश बनते हैं ना, फ्रेश बन बन के आया है कराची। गाइस यहाँ मैं सब्जियाँ काट रही हूँ, ऑलमोस्ट डन हो गई हैं, और हमारी चाउमीन की सब्जियाँ कट चुकी हैं, और ये मैं सूप के लिए काट रही हूँ। हम बना रहे हैं सूप एंड चाउमीन बादशाह की सरबराई में। हेड शेफ नीचे बैठे हैं। हेड शेफ नीचे बैठे हैं। सूप दे दो। हेड शेफ नीचे नीचे बैठ के बना रहे हैं। गाइस बन गया हमारा चाउमीन, यामी यामी। जो जो नहीं है वो मिस करेंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। रात में हमने बॉनफायर किया था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और बहुत ही हमें मज़ा आया। आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा हमारा टंडवादम में। कल भी हम यहीं पर हैं तो आपको दिखाएंगे मज़ीद चीज़ें यहाँ की, यहाँ की फ़ूड स्ट्रीट भी आपको चेक करवाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में हमें ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफिज़।